टू माया पुरिकट, मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड से जुड़ी टॉप 10 खबरें। सो लेट्स बिगिन। चार्टबस्टर एल्बम देने वाले लोकप्रिय संगीतकार अंकित तिवारी और अरिजीत सिंह 10 साल बाद एक बार फिर एक साथ काम करने वाले हैं। खबर है कि अंकित तिवारी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक स्टोरी शेयर करके इस खबर की कंफर्मेशन दी है। उन्होंने लिखा, अंकित तिवारी एक्स अरिजीत सिंह कॉम्बो 10 साल बाद वापस आ गया है। फैंस इस खबर से काफी एक्साइटेड हैं। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने अपनी नई फिल्म सरफिरा का टाइटल अनाउंस कर दिया है। अक्षय कुमार ने सरफिरा नाम की फिल्म का टीजर भी अपने सोशल मीडिया पर रिलीज किया है और ये फिल्म इसी साल 12 जुलाई को रिलीज होने वाली है। फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया की रिलीज के बीच कृति सेनन ने अपने फैंस को एक प्यारा सा सरप्राइज दिया है। एक्ट्रेस ने सिफरा बन अपने फैंस को सरप्राइज दिया और मुंबई के एक थिएटर में जा पहुंची थी, जिसका वीडियो एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इस वीडियो में फैंस कृति को देखकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। कृति का ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। टीवी सीरियल एक्ट्रेस शिवांगी जोशी की लेटेस्ट फोटोज ने फैंस को काफी हैरान कर दिया है। इन फोटोज में एक्ट्रेस के हाथ में रिंग नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि शिवांगी जोशी ने दुनिया की नजरों से छुपाकर सगाई कर ली है। ऐसे में फैंस ने फोटोज पर अपने शॉकिंग रिएक्शन भी दिए हैं। लेटेस्ट खबर के मुताबिक आमिर खान के बेटे जुनैद खान और साई पल्लवी इस वक्त जापान में शूटिंग कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद फिल्म की कहानी को लेकर कयासों का सिलसिला शुरू हो गया है। तस्वीरों में कास्ट जापान के सपोरो शहर में स्नो फेस्टिवल के दौरान शूटिंग कर रही है। टीवी सीरियल एक्ट्रेस दिशा परमार और राहुल वैद्य हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए हैं। दोनों इस दौरान अपनी बेटी नव्या के साथ दिखाई दिए थे, लेकिन इस बार दिशा परमार की बेटी नव्या की पहली झलक भी हमारे सामने आई है। बेबी नव्या की तस्वीरों पर फैंस भी जमकर प्यार लुटा रहे हैं। कंगना रनौत के साथ काम कर चुकी फेमस सिंगर और एक्ट्रेस मल्लिका राजपूत की हाल ही में सुसाइड के कारण मौत हो गई है। इस घटना ने हर किसी को शॉक कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक्ट्रेस का अपने परिवार वालों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। अजय देवगन की हॉरर फिल्म शैतान के पहले गाने खुशियां बटोर लो का पोस्टर सोशल मीडिया पर रिलीज हो चुका है। मेकर्स ने पोस्टर साझा करते हुए बताया है कि इस गाने का टीजर आज रिलीज किया जाएगा। एक्टर विद्युत जामवाल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म क्रैक के प्रमोशन में लगे हुए हैं। अब एक्टर का एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया है, जिसमें वो ट्रेन की छत पर खतरनाक स्टंट करते नजर आए हैं। वीडियो में वो ट्रेन की छत पर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। धर्मेंद्र की नातन निकिता चौधरी ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड संग राजस्थान के खूबसूरत शहर उदयपुर में शादी रचाई थी। वहीं अब धर्मेंद्र ने नातिन की खुशी के मौके का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो बैठकर और खड़े होकर डांस करते नजर आ रहे हैं। आज मायापुरी टॉप 10 में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए मायापुरी से जुड़े रहें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।